नमस्कार, मैं अनुभूति आप सभी का स्वागत करती हूँ द प्राणमूल्य फार्म्स में। तो सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों में मक्की की रोटी विद सरसों का साग नहीं खाया तो क्या खाया। हमारे यहाँ पे जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती है तो हर एक घर में जो है मक्की की रोटी बनती ही बनती है और साथ में बनता है सरसों का साग और हमारे यहाँ पे बनता है झोल। और अगर मक्की की रोटी का नाम सुन के आपके मुंह में पानी आ गया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि मक्की की रोटी जो है चूल्हे पे किस तरह बनाई जाती है। तो मम्मी बनाएंगे मक्की की रोटी और मैं करूंगी उनको असिस्ट रोटी सेकने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। सूखा आटा लेके उसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है, गुनगुना गुनगुना पानी होना चाहिए तब अच्छी तरह से रोटी बनती है। उसके बाद इसको ऐसे अच्छी तरह से दबाना है, दबा दबा के थोड़ी देर इसको ऐसे करते रहना। ऐसे करते रहना। बचपन में मैं अपनी मम्मी और नानी को देखती रहती थी और ऐसे खेलते रहते थे मिट्टी के साथ और ऐसे रोटियां। गोल रोटी इसको हम तवे के ऊपर रखेंगे। ये हमारा तंदूर है, इसमें ऑलरेडी ये तवा दिया होता है, उस पर हमने ये डाल दी। इसको ऐसे करो और तब तक ये हो रही है तब तक हम नेक्स्ट रोटी को प्रिपेयर करेंगे। और हमने तवे वाली रोटी को भी देखना है। अभी भी ये कच्ची है, एक रोटी को पकने में ऑलमोस्ट 5-6 मिनट तो लग ही जाते हैं अच्छे से पकने में। कई तवे पर घी भी लगा सकते हैं, अगर मक्की की रोटी को घी लगाना हो तो घी भी लगा सकते हैं, पर हम नहीं लगाते हैं, हम ऐसे ही सूखी बनाएंगे और बाद में मक्खन के साथ खाएंगे। इस रोटी को फिर हम यहाँ रख देंगे या यहाँ रख देंगे और तवे को सीधा करके उसके बाद ये रोटी जब तक ये अच्छे से पक ना जाए तब तक आपको इसे ऐसे ही पकना है। यहाँ पे हम मटका डालेंगे थोड़े से। तंदूर के फायदे ये है कि यहाँ से हवा हमको एक्स्ट्रा मारने की जरूरत नहीं चाहिए, इसमें जो है उसमें हल्की हल्की सी हवा आती रहती है और ये आग जो है उससे जलती रहती है। इसमें
तो यहाँ पे जो है गर्मा गर्म रोटी के साथ साग है तैयार। टेस्टी बना है, और जो ये मक्खन हमने डाला है ना, मक्खन से जो है इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है। बहुत ही ज्यादा लाजवाब बना है ये। तो आज मक्की की रोटी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, और मक्की की रोटी खा के मुझे एक कहावत याद आ गई कि मक्की दी रोटी सरसों दा साग बिच मिर्च मरोड़ी तल्ला का स्वाद। और इसी के साथ मिलूंगी मैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।